अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू यूजिंग स्लो. शो दैट द ट्राइंगल विद द वर्टेक्स ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल. तो हमने इसमें भी स्लोप ही फाइंड करनी है. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी, जिसको हम एम वन का नाम दे सकते हैं. यहाँ पर ए बी की जब स्लोप फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू. स्लोप का फार्मूला आप जानते हैं, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन. तो यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, वाई टू की वैल्यू सेवन, वाई वन की वन, और फिर उसके बाद एक्स टू की सिक्स टू, और एक्स वन की क्या है हमारे पास सिक्स. तो यहाँ से सिक्स सेवन सिक्स और ये माइनस फोर, ये इसे कट जाएगा, यहाँ पर थ्री डिवाइडेड टू आ जाएगा. हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर आ गई, माइनस थ्री बाई टू. इसी तरह हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी सी. बी सी की स्लोप, इसको हम एम टू का नाम दे देते हैं. बी और सी, ये वाई टू है और ये वाई वन है, माइनस सेवन माइनस सेवन और माइनस सिक्स माइनस टू, तो ये फोर्टीन डिवाइडेड एट. यहाँ से ये सेवन बाई फोर हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी भी आ गया. इसी तरह हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए सी, इसको हम एम थ्री का नाम दे देते हैं ए और सी के साथ. माइनस सेवन माइनस वन, फिर हमारे पास माइनस सिक्स माइनस सिक्स, सेवन वन माइनस सिक्स माइनस सिक्स, तो ये माइनस एट बाई माइनस ट्वेल्व, ये इसे कट जाएगा, तो ये भी टू बाई थ्री आ जाएगा. अब हमने फाइंड ये करना है कि ये क्या कोई राइट ट्राइंगल है. राइट ट्राइंगल यानी कि मसलन ये हमारे पास अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री. तो हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर देखें स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास राइट ट्राइंगल होता है 90, यानी कि परपेंडिकुलर ही होगा वहाँ पर. अब हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी जो है और स्लोप ऑफ ए सी, अगर एम वन और एम थ्री को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है, माइनस वन के इक्वल. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, स्लो सिंस एम वन डॉट एम टू, ये दो स्लोप हैं, एम थ्री सॉरी यहाँ पर एम थ्री ले लेते हैं. एम वन क्या है हमारे पास, माइनस थ्री बाय टू मल्टीप्लाई एम थ्री क्या है, टू बाय थ्री. जब इनको हम सॉल्व करेंगे, थ्री थ्री से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो एम वन डॉट आपके पास जो एम थ्री है, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस वन के इक्वल आ गया. किसके इक्वल आ गया, माइनस वन के इक्वल है. तो सो हम ये कह देंगे जो स्लोप ऑफ ए बी जो है, ये जो स्लोप ऑफ ए बी है, ये परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के है. स्लोप ऑफ ए सी के परपेंडिकुलर है. सो फिर हम लिख देंगे कि ए बी सी, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, इज ए राइट ट्राइंगल. इसको क्या लिख देंगे, ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल. इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट सी एंड डी. हमने यहाँ से फाइंड करने के की वैल्यू. हमारे पास जो पॉइंट इसके दिए हुए हैं ए बी और फिर क्या दिया है, सी डी. हम पहले यहाँ से ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से सी डी की फाइंड करेंगे. दोनों की स्लोप फाइंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट हमने जो फाइंड करना है उसमें ये है कि वो लाइन जो है, स्लोप जो है वो पैरेलल है, और वही स्लोप फिर क्या है, परपेंडिकुलर है. हम उसको पैरेलल रख के वहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और परपेंडिकुलर के तौर पे भी उसमें से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं. स्लोप ऑफ ए बी को हम एम वन से डिनोट कर देते हैं. ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, इसके पॉइंट हमारे पास सेवन थ्री है, इसके पॉइंट हमारे पास के और माइनस सिक्स है. इसको हम एक्स वन वाई वन का नाम दे देते हैं, एक्स टू और वाई टू का. अब इस लाइन की जब हम स्लोप फाइंड करेंगे, उसको हमने एम वन का नाम दे दिया, फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन
और एक्स टू माइनस क्या एक्स वन। यहाँ पर हमारे पास वाई टू की जो वैल्यू है वो मेरे पास माइनस सिक्स है और एक्स वाई वन की वैल्यू क्या है थ्री डिवाइडेड एक्स टू की वैल्यू के माइनस सेवन, तो ये माइनस नाइन डिवाइडेड के माइनस सेवन आ जाएगा। यहाँ से हमने एम वन स्लोप फाइंड कर ली। इसी तरह अगर हम स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करें उसको हम एम टू का नाम दे देते हैं, तो ये स्लोप कुछ इस तरह है, ये सी है और ये डी है। इस लाइन की जब हम स्लोप फाइंड करेंगे यही फार्मूला, पॉइंट इसके सी और डी के ये हैं, तो फार्मूले में आप पुट करें वाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर, वाई वन की फाइव और माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस फोर, तो ये माइनस वन डिवाइडेड आपके पास टू आ जाएगा, यानी कि वन बाई टू। अब हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इसका है कि ये दोनों स्लोप जो हैं वो पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल है तो एम वन स्लोप को हम एम टू के पैरेलल रख लेते हैं, यानी कि ये इक्वल है एम वन इक्वल टू एम टू, तो एम वन की वैल्यू हमारे पास माइनस नाइन डिवाइडेड के माइनस सेवन, एम टू की वैल्यू वन डिवाइडेड टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास माइनस एटीन इज इक्वल टू के माइनस सेवन, सेवन को इधर ले आएँ एटीन प्लस सेवन इज इक्वल टू के, यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी अलेवन, के की वैल्यू किसके बराबर आ गई माइनस अलेवन। पार्ट टू में हमने फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। अगर स्लोप परपेंडिकुलर है तो एम वन डॉट एम टू इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। अब हमारे पास एम वन स्लोप क्या है वो माइनस नाइन डिवाइडेड के माइनस सेवन, ये परपेंडिकुलर का फार्मूला है, डॉट वन डिवाइडेड टू इज इक्वल टू माइनस वन, नाइन और टू को के से मल्टीप्लाई कर दे टू के माइनस फोर्टीन और सेवन से भी माइनस वन, तो माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, नाइन इज इक्वल टू टू के माइनस क्या आ जाएगा फोर्टीन, इस फोर्टीन को इधर ले आए तो प्लस का फोर्टीन इज इक्वल टू टू के, ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड टू इज इक्वल टू के, यहाँ से के की वैल्यू किसके बराबर आ गई ट्वेंटी थ्री अपॉन टू के बराबर आ गई। अगर लाइन पैरेलल है तो के की वैल्यू माइनस अलेवन, अगर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास ट्वेंटी थ्री अपॉन टू के बराबर आ गई। इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड करना था। थैंक यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट फाइव माइनस एट एंड परपेंडिकुलर टू जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी। यहाँ से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। जब हमारे पास लाइन से रिक्वायर्ड पॉइंट दिए हों, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको मैंने पी फाइव माइनस एट का नाम दिया, और स्लोप के पॉइंट जो है वो हमारे पास माइनस फिफ्टीन माइनस एट और टेन और सेवन दिए हुए हैं। यहाँ से हम स्लोप फाइंड करेंगे, इन पॉइंट्स को लेके हम उसकी क्या फाइंड कर देंगे इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू जॉइनिंग द पॉइंट, जो इसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट है वो फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ, ये गिवन पॉइंट है हमारे पास, गिवन पॉइंट है जो कि हमारे पास है ए के पॉइंट क्या दिए हुए हैं यहाँ पर फिफ्टीन माइनस एट और बी के पॉइंट हमारे पास टेन और सेवन, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन के पॉइंट हैं। स्लोप ऑफ ए बी जब हम फाइंड करेंगे उसको हम एम का नाम दे देते हैं यहाँ पर, तो फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस क्या है एक्स वन। अब वाई टू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सेवन है और एक्स वन की माइनस माइनस एट, और वाई एक्स टू की वैल्यू टेन, y1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 15, तो ये हमारे पास 15 डिवाइडेड क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 3 डिवाइडेड 5। अगर ये लाइन आपके पास, अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का फार्मूला कुछ इस तरह है कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। अब अगर हम m1 को इधर रहने दें तो 1 ओवर m2, अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास, सपोज हम कहते हैं ये एम टू है, इसको हम थ्री बाई फाइव, तो ये फाइव बाई थ्री हो जाएगा। अब इसके जो स्लोप के रिक्वायर्ड पॉइंट जो स्लोप आ गई है, अगर ये परपेंडिकुलर स्लोप में है तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब ये माइनस फाइव बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएंगे हमारे पास फाइव बाई थ्री के इक्वल।
यानी कि माइनस 5/3 आ जाएगा। पहले जो इसकी स्लोप निकली थी वो 3/5 है, अब क्या हमने इसको लिख लिया माइनस 5/3 क्योंकि ये परपेंडिकुलर में आएगी। अब ये रिक्वायर्ड जो हमारे पास पॉइंट है माइनस 5/3 इसको, और जो हमारे पास ये वाले पॉइंट है इनको लेके हम इक्वेशन फाइंड कर देंगे। इक्वेशन का फार्मूला क्या है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर वाई वाई वन का पॉइंट हमारे पास माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू एम क्या है माइनस 5/3, और एक्स वन क्या है यहाँ पर वो हमारे पास दिया हुआ है 5। 3 को y से मल्टी 3y+24 इज इक्वल टू माइनस 5x+25। 3y+5x(25 -24) तो यहाँ से 5x+3y ये इधर आगे माइनस का 1=0, तो यहाँ से हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। जब हमारे पास लाइन के परपेंडिकुलर पॉइंट और स्लोप के पॉइंट दिए हों तो उस वक्त हमारे पास इक्वेशन इस तरह आएगी 5x+3y-1=0।